दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप कक्षा 12वीं की स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री क्लास 12 के ऐसे न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतने सरल तरीके से, और मैं आपको राइट टू अप्रोच की मतलब कैसे न्यूमेरिकल को आपको हल करेंगे कि आपका सही आंसर आए। न्यूमेरिकल करते वक्त बच्चे बीच में अटक जाते हैं, लेकिन मैं आपको जो स्टेप और जो तरीके से बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से सभी न्यूमेरिकल करोगे आपका सभी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इसी तरीके के जब 10 वीडियो पाने के लिए बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता, मोलरता, नॉर्मलिटी, तीन में से विलयन में से एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पूछना एकदम श्योर है, ठीक है? तो इसकी विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हल लिखोगे। आपको 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 जल में घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको NaCl सोडियम क्लोराइड जो है, NaCl का अणु भार, ठीक है, NaCl का अणु भार आपको पता होना चाहिए। तो Na का कितना होता है 23 और Cl का 35.5, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा 538.5। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ये आपको पता रहना चाहिए, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है, अणु भार। अब आपको यहाँ पर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन यहाँ पे कौन है, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl विलयन की मोललता, ठीक है, तो मोललता की फॉर्मूला क्या होता है, W/m/W, और ये कितने में होता है, kg में, कि ग्राम में, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये W की वैल्यू यहाँ पर 11.7 और मैंने यहाँ पर m की वैल्यू, मॉलिकुलर वेट 58.5, ठीक है। तो ये 11.7 डिवाइडेड बाई 58.5 और इस W की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है, 500 और ये की ग्राम है तो डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, एक की ग्राम है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो जब आप 11.7 500 58.5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 0.2 और जब इसको आप डिवाइड करोगे 500 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आपका आएगा 0.5, ठीक है। अब आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.4, ठीक है, 0.4 मोल। तो ये आ गया 0.4 मोल, ठीक है। तो आप सभी स्टेप को सबसे पहले चेक कर लेना क्या मैं ये सही लिखा हूँ, आप डिवाइड कर। और सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो ये जो आपका एसआई यूनिट मात्रक जो भी आता है उसको जरूर लिखो, और सेकेंड बात सबसे पहले जो दिया है उसको फिर फॉर्मूला लगाओ और सही सही फॉर्मूले की वैल्यू पुट करो, आंसर आपका तुरंत आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्लियर है, अभी मैं आपको बेसिक पे क्लियर कर रहा हूँ। जो बच्चे अभी बहुत कमज़ोर हैं वो इन वीडियो को जरूर देखो, ठीक है, तब मैं आपको एकदम जो बहुत डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल है उनको अभी भी मैं बताऊँगा, ठीक है। मैंने जीरो से हीरो आपको बनाने का ठेका ले लिया है, बस आपको करना क्या है, हमारा साथ देना है, जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना ही आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वांथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए, ठीक है, पदार्थ के अणु भार की आपको गणना करना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे हल करोगे, एक एक स्टेप समझाता हूँ ताकि इस तरीके के न्यूमेरिकल आए तो आप तुरंत कर सको, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हल लिखो, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये यहाँ पर बोला है पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है अवाष्पशील पदार्थ का अणु भार का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, और जो जो दिया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला m इक्वल टू क्या होता है, 1000 × kb × W/ΔTb × W, ठीक है। अब इसमें से ये क्या क्या है सबसे पहले वो देख लो। तो यहाँ पर लिख दोगे जहाँ ये kb क्या है आपका,
यह है विलायक का मोलल उन्नयन स्थान, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेंजीन, यहाँ पर कितना दिया हुआ है बेंजीन में घुलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे बेंजीन जो का जो भी जो कि आपका विलायक है का मोलल उन्नयन स्थिरांक यह आपका दिया हुआ है 2.67, ठीक है। और ये आपका W क्या है, यह है आपका विलय, तो आवासशील लिखोगे आवासशील विलय पदार्थ की मात्रा कितना है की मात्रा, सब कुछ आपको क्वेश्चन में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है, 2.5 ग्राम, ठीक है। एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को, तो यहाँ पर 2.5 ग्राम, क्लियर है। और यहाँ पर आपको डेल्टा ये बड़ा वाला W भी निकालना है, तो ये बड़ा वाला W क्या है, यह विलायक बेंजीन की मात्रा कितना है वो लिखना है, ठीक है। बेंजीन की मात्रा यहाँ पर आपको दिया है 100 ग्राम, ठीक है, तो इसको भी आप लिख लोगे 100 ग्राम। अब आपका डेल्टा टी भी ये क्या है, ये आपका है क्वथनांक में उन्नयन, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस दिया है 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टी वी इक्वल टू क्वथनांक में उन्नयन, ये कितना आपका दिया है 0.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसका मान रखने पर, जब फॉर्मूला पर आप ऊपर फॉर्मूला में लिखा है, अब इस पर मान रखने पर क्या हो जाएगा यह भी देखते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले 1000 रहेगा इनटू केबी की वैल्यू 2.67, डब्ल्यू की वैल्यू 2.5, डेल्टा टी भी 0.4 इनटू ये आपका डब्ल्यू 100, ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1000 इनटू 2.67, ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1000 इंटू 2.67, तो 2670, ठीक है। तो 2670 इंटू 2.5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 5057 जा 35, 3 5 से जा 33, 33 और 5 2 जा 10, 13, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 0 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 1 13, 2 2 जा 4, 1 5, 5 4 3 7, 3 3 6 7, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 होगा, 5 1 6, ठीक है, 6 6 7 5, क्लियर है, 6 6 7 5 6 6 7 5 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 100, तो ये आपका हो जाएगा 40। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका समथिंग आएगा 1.66875, ये मुझको रट गया है, ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करते करते वक्त 1.66875। तो आप जब इसको लास्ट डिजिट हटा दो तो 1.66.87 है, तो यहाँ पर 88 ग्राम पर मोल, ये आपका इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने भी आप न्यूमेरिकल करो, ये इसका ऐसा यूनिट मात्रक, जितने भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हो आप इसको जरूर लिखो और एकदम स्टेप वाइज कोशिश करो, इसमें कटपिट ना रहा है, आपको फॉर्मूला सही पता है, आप वैल्यू सही पुट करोगे आपका आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दो न्यूमेरिकल्स पसंद आए होंगे या फिर समझ में आएंगे, नहीं समझ में आए तो कमेंट करो, समझ में आए तो लाइक करो, और इसी तरीके से एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको न्यूमेरिकल थ्योरी सब कुछ आप यहाँ से 90 प्लस आराम से स्कोर कर सको, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।